नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 14 और पाठ संख्या 14 का नाम है महायज्ञ। चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, उपयोग चित्र में विधि विधान से यज्ञ का आयोजन होते हुए दिखाया गया है। आपके यहाँ भी कभी ना कभी यज्ञ का आयोजन हुआ होगा, इसे हवन भी कहते हैं। बच्चों, इसके बारे में अपने माता पिता या अपने भाई बहन से पता करो और यह भी जानो कि यज्ञ के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। हम सभी अपने सुख के लिए जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करके अपने कर्मों की शुद्धि करना चाहते हैं, मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा है और जीवों को कष्ट से मुक्ति दिलाना भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। प्रस्तुत पाठ में त्याग के सुख और फल की महिमा समझाई गई है। सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ महायज्ञ है, जो मानवोचित व्यवहार से होता है और यही महायज्ञ सर्वश्रेष्ठ है कि हम दूसरे जीवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यदि हम मानवोचित व्यवहार करते हैं जो मानव के लिए उचित है, तो वही यज्ञ महायज्ञ होता है और वही महायज्ञ सर्वश्रेष्ठ भी होता है। आइए शुरू करते हैं। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश ना लौटता। भरपेट भोजन पाता, भंडार द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ बसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों को दिया था, पर सबे दिन होत ना एक समान। अकस्मात दिन बदले और सेठ की हालत पतली हो गई, मतलब उनका काम धंधा अच्छा नहीं रहा। संगी साथियों ने मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ भूखों मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। अर्थात बच्चों, लोग जो यज्ञ करते थे वो अपने यज्ञ के फल को, जो उनको उस यज्ञ से करने के कारण प्राप्त हुआ हो, उसे क्रय और विक्रय भी कर सकते थे, उसे बेच भी सकते थे या किसी और के द्वारा किए हुए यज्ञ के फल को खरीद भी सकते थे। इसका मतलब कि लोग अपने यज्ञ के पुण्य को दूसरों को बेचते भी थे या फिर दूसरों के यज्ञ के पुण्यों को खरीदते भी थे। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता तदनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर सेठ पहले तो बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 8-10 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोकों की बात जान लेती थी। धन की उसके पास कोई कमी ना थी। विपदाग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और पेट में चूहे कूदने लगे। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े, पोटली से लोटा डोर निकाल पानी खींचा और हाथ पैर धोए
उसके बाद एक लोटा पानी लेकर एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर कौर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर गिर जाती थी। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। लगता है बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक रोटी और उठाई और टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। दो रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी दिखाई नहीं दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे दो खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी है। उन आंखों में करुण याचना है। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय, बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा पड़ा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सके। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर और थोड़ा विश्राम करके उन्होंने अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। धन्ना सेठ की हवेली पर पहुंचे तो उन्होंने उठकर सेठ का स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने को तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य से बोले, महायज्ञ और आज? वे समझ गए कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की बात कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ जी, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ जी, बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की बात कहती हैं। सेठानी ने समझाया, आपने आज रास्ते में स्वयं न खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? कुछ पाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात?
क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित ना लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे, वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाई बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी, बोली, क्यों धन्ना सेठ मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई, मतलब गायब हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति, सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। दिया बत्ती का समय हुआ तो सेठानी दिया जलाने उठी कि रास्ते में किसी चीज़ को ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। जैसे तैसे दिया जलाकर देखा कि दहलीज के सहारे लगे फर्श पर पत्थर का चौका ऊपर को हो गया है। उस पर एक लोहे का कुंदा लगा रहता था। ऊपर उठने के कारण उससे सेठानी को ठोकर लग गई थी। सेठानी ने सेठ को आवाज दी, देखो फर्श का एक चौका उखड़ गया है, इसे जमा दो। सेठ ने चौके को ठीक तरह से जमाने के लिए उसमें लगे कुंदे को उठाया तो नीचे तहखाने की सीढ़ियां दिखाई दी। अरे यहाँ तो तहखाना है, हमें इसका पता ही नहीं था, उसके मुंह से निकला। दिया हाथ में लेकर सेठ सेठानी तहखाने में उतरे। आखिरी सीढ़ी उतरते ही प्रकाश से उनकी आंखें चौंधियाने लगीं। तहखाने में छोटी छोटी हौजें बनी थी जिसमें सोने चांदी के सिक्के भरे थे। यह देख दोनों के पांव वहीं जम गए, उनके मुंह से बोल तक ना निकला। कुछ देर बाद सेठानी की चेतना लौटी, बोली, प्राणनाथ यह महायज्ञ का पुरस्कार है, स्वयं भूखे रहकर एक प्राणी की भूख मिटाई, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? धन्ना सेठ की पत्नी ठीक ही कहती थी, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है। भगवान ने उसी महायज्ञ का पुरस्कार आपको दिया है। सेठ ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी कर्तव्य बुद्धि को जगाए रखना, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट कम कर सकूं, ऐसी बुद्धि और शक्ति मुझे देना। इस कहानी के लेखक हैं यशपाल जैन। तो बच्चों, आपने देखा यज्ञ महायज्ञ करने से कोई लाभ नहीं है जितना लाभ किसी की निस्वार्थ भावना से सहायता करने में है। कठिन शब्द हैं यहाँ पर जो आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे, विनम्र, उदार, धर्मपरायण, यज्ञ, अकस्मात, प्रथा, प्रचलित, विचार, विपदाग्रस्त, पोटली, कष्ट, विश्राम, दुर्बलता, कृतज्ञता, याचना, योग्य, अंतिम, बेबस, आश्चर्य, विस्मित, विमूढ़, मानवोचित, चबूतरा, आशंका, आद्योपांत, उल्लासित, दहलीज, तहखाना, प्राणनाथ, कर्तव्य बुद्धि। यहाँ दिए हुए हैं हमें शब्द अर्थ जो आप याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखेंगे। विनम्र का अर्थ है सुसंस्कृत, गंभीर, संजीदा, भंडार द्वार, गोदाम, खिन्न, दुखी, प्रथा, रिवाज और रीति, निस्वार्थ, बिना मतलब के, प्रचलित, लोकप्रिय, कर्तव्य, ड्यूटी, शुल्क, क्रय विक्रय, खरीदना, बेचना, मानवोचित, जो मनुष्य के लिए उचित हो, दुखी, खिन्न, विचार, इरादा, कल्पना, चबूतरा, मचान, अफवाह, निराधार बातें,
आशा, उम्मीद, भरोसा, विपदाग्रस्त, मुसीबत में फंसा हुआ, आशंका, भय, शंका, कृतज्ञता, उपकार मानने का भाव, आद्योपांत, शुरू से आखिर तक, कथा, कहानी, योग्य, काबिल, लायक, वेदना, पीड़ा, व्यथा, तहखाना, मकान के नीचे बनी कोठरी, स्वागत, अभिनंदन, संकट, कष्ट, दुख, आश्चर्य, विस्मित, स्थिति, परिस्थिति, सीढ़ियाँ, सोपान, या हम इसे कह सकते हैं पैड़ी, चेतना, होश, हवास, पौ फटे, प्रातःकाल, या फिर हम इसे कह सकते हैं रात के अंत पर। अब हम करते हैं बात पाठ की। बताओ क्या पढ़ा? सेठ के यहाँ से कुंदनपुर कितनी दूर था? कुछ 8-9 कोस की दूरी पर था। कुंदनपुर नगर के सेठ का नाम क्या था? कुंदनपुर नगर के सेठ का नाम धन्ना सेठ था। सेठ ने कुत्ते को कितनी रोटियां खिलाई? सेठ ने कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई। आपने इस कहानी से क्या सीखा? बच्चों, हमने इस कहानी से यह सीखा कि कुछ पाने की लालसा में किए गए यज्ञ से कोई लाभ नहीं होता जितना कि निस्वार्थ भाव से किए गए त्याग और बलिदान से होता है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। पेड़ के पास छटपटा रहा था कुत्ता। किन्हें लगता था कि बरसों से उन्होंने यज्ञ नहीं किया? सेठ जी को। आगे चलते हैं। सेठानी ने महायज्ञ किसे कहा? स्वयं ना खाकर भूखे कुत्ते को रोटियां खिलाना, इसे सेठानी ने महायज्ञ कहा। कौन सा महायज्ञ नहीं है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाना महायज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म कहलाता है महायज्ञ। सेठ ने अपना आज का यज्ञ क्यों नहीं बेचा? उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित नहीं लगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों को दिया था। अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठानी को दैवी शक्ति प्राप्त थी। कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की बात कहती हैं? चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर आ गए। दिया हाथ में लेकर सेठ सेठानी तहखाने में उतरे। किसने किससे कहा? हाय, बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा पड़ा था। सेठ जी ने स्वयं से, आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा था सेठ जी से, हाँ वही जो आज आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने सेठ जी से, क्या सोचते हो? ये भी धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा था सेठ जी से, देखो फर्श का एक चौका उखड़ गया है। सेठानी ने सेठ जी से, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। यह भी कहा था सेठानी ने सेठ जी से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यज्ञों के क्रय विक्रय का आशय स्पष्ट करो। यज्ञों के क्रय विक्रय से आशय यज्ञों के फल के बेचने और खरीदने से था। जो लोग यज्ञ करते थे वे अपने यज्ञ के फल को दूसरों को बेच सकते थे, और जो लोग फल चाहते थे वे यज्ञ करने वालों से उनके यज्ञ के फल अर्थात पुण्य को खरीदते थे। यज्ञ बेचने का सुझाव किसने और क्यों दिया? यज्ञ बेचने का सुझाव सेठ जी की पत्नी ने दिया, क्योंकि सेठ जी की हालत बहुत पतली हो गई थी, उनके पास खाने को भोजन तक ना था। सेठ जी ने किसे यज्ञ बेचने का निश्चय किया? सेठ जी ने कुंदनपुर में रहने वाले धन्ना सेठ को यज्ञ बेचने का निश्चय किया।
कुत्ता क्यों छटपटा रहा था, सेठ जी ने उसकी क्या सहायता की। कुत्ता भूख के मारे छटपटा रहा था, वह बहुत दयनीय स्थिति में था। जब सेठ जी कुंदनपुर जाते हुए वहाँ विश्राम के लिए रुके तो उन्होंने कुत्ते को देखकर अपने साथ लाई हुई चारों रोटियाँ एक एक करके कुत्ते को खिला दी। धन्य है मेरे पति, ये किसने और क्यों कहा। धन्य है मेरे पति, ये सेठानी ने कहा और उन्होंने यह सेठ जी के लिए इसीलिए कहा क्योंकि मुसीबत में भी विपत्ति में भी सेठ जी ने अपने चरित्र को नहीं छोड़ा, अपने मानवोचित कर्तव्य के लिए मूल्य नहीं लिया। कुंदनपुर की सेठानी का चरित्र चित्रण लिखो। कुंदनपुर की सेठानी धन्ना सेठ की पत्नी थी। उन्हें दैवी शक्ति प्राप्त थी, वे सभी बातों को पहले से ही जान जाती थी। धन की उनके पास कोई कमी ना थी। सेठ जी द्वारा किए हुए महायज्ञ को वह इसीलिए खरीदना चाहती थी क्योंकि वे जानती थी कि कुछ पाने की लालसा में किए हुए यज्ञ से कहीं अधिक फल निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुंदनपुर की सेठानी बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना अच्छी? और इससे हमें शिक्षा भी मिली कि हमें अपने कर्तव्य से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और ना ही अपने कर्तव्य के लिए कुछ पाने की आशा करनी चाहिए। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।